माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविन्द्रनाथ महतो के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा से एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 66वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली से घाना के लिए रवाना हुआ। यह सम्मेलन घाना की राजधानी अकरा में आयोजित हुआ। घाना अफ्रीका महादेश का आइवरी कोस्ट और गिनी की खाड़ी से लगा एक देश है, जो वर्ष 1957 में ब्रिटिश प्राधीनता से मुक्ति पाकर अपनी राष्ट्रीयता और संसदीय प्रणाली को आत्मसात करते हुए अफ्रीका के मानचित्र पर और विशेषकर सब सहारन अफ्रीका में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। घाना सब सहारन अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला देश था। क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में आजादी प्राप्त कर पंडित नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभिक सदस्यों में एक था। अकरा में 66वां राष्ट्र सम्मेलन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुआ। माननीय अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो के प्रतिनिधि मंडल में माननीय सदस्य श्री सीपी सिंह, माननीय सदस्य श्री नीरल पूर्ति एवं झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री अतुल कुमार सम्मेलन में भाग लेने हेतु 1 अक्टूबर 2023 को घाना पहुंचे। माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जब प्रतिनिधि मंडल आयोजन स्थल में प्रवेश कर रहा था, माननीय अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुखद अनुभूति है कि आज अफ्रीका के धरती पर गांधी जयंती के अवसर पर अपने राष्ट्रपिता के चरणों में पुष्प अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रमंडल की स्थापना एक कल्याणकारी संस्था के रूप में 1929 में की गई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी श्री तेज बहादुर सप्रू इस संगठन में पराधीन भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने अपने शर्तों के साथ नए रूप से राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी। आज विश्व के बहुत सारे देश जो ब्रिटेन उपनिवेश नहीं थे, वह भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। सम्मेलन शुरू होने के पूर्व संध्या पर घाना स्थित भारत के एम्बेसी द्वारा रात्रि भोज में झारखंड से गए प्रतिनिधि मंडल आमंत्रित किए गए। माननीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम का वहां उद्घाटन किया। विधिवत 4 अक्टूबर 2023 से सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों का मंतव्य और व्याख्यानों का दौर शुरू हुआ। 66वें सम्मेलन का मुख्य थीम राष्ट्रमंडल चार्टर के 10 वर्ष संसदों द्वारा निर्धारित मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा थी। माननीय अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो द्वारा 3 विषयों पर सम्मेलन में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। ऊर्जा संकट और पर्यावरण संरक्षण, संसद में महिला आरक्षण का महिला सशक्तिकरण में योगदान तथा ई संसद के माध्यम से संसदीय व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाना। आई एम द स्पीकर ऑफ झारखंड फ्रॉम वेयर आई जस्ट झारखंड इंडिया इंडिया आई जस्ट वांट टू एड व्हाट आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हु हैज कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन द फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अफ्रीका एज वेल ऑन वाज वंस सेड The call women of weaker sex is a libel. It is a man's injustice to women. If by strength it is meant moral power, then woman is immeasurable man's superior. Has she not more self-sacrificing? Has she not great powers of endurance? Has she not greater courage? Without her man could not be. If non-violence is the law of our being, the future is with women. In my country, a special session called only for this purpose, the constitution was to reserve 1/3 of the seats for women just few days back. India is only among few countries to take such a strong measure to increase the number of women in decision making. As a first step of achieving political empowerment,
reservation for women in panchayats, municipalities was provided by the insertion of articles 243D and 243T is the constitution by constitution 73rd Amendment Act 1993 and the constitution 74th Amendment Act 1992 respectively, the 73rd and the 74th brought more than 1.4 million women into the position of the leadership. Iske uparant dinank 5/10/23 ko आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें खाद्य सुरक्षा विषय पर विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। अगले वर्ष 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित होगी। 7 अक्टूबर की संध्या को घाना से दिल्ली के रास्ते झारखंड से गया प्रतिनिधि मंडल रांची वापस लौट गया।